वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। दिल्ली बॉर्डर पर केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को एक साल पूरा हो गया है। इसको लेकर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू ने आंदोलन पर अब अपना खेल शुरू कर दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को नो फार्मर नो फूड का बैच पहना, तो वहीं सिद्धू ने ट्वीट के जरिए सुखबीर बादल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। एक तरफ सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुलासा किया कि नवंबर 2020 में केंद्र सरकार ने पंजाब के किसानों को दिल्ली आने से रोकने को कहा था, मैंने इसे स्पष्ट इनकार कर दिया। मैंने कहा कि किसानों का प्रदर्शन लोकतांत्रिक है, इसलिए मैं उन्हें नहीं रोकूंगा। ठीक इससे पहले कैप्टन ने कहा था कि अगर वो किसानों को पंजाब में ही रोक देते तो दिल्ली के सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर भीड़ नहीं जुटती। कैप्टन ने किसानों को पंजाब की आर्थिक व्यवस्था, डेवलपमेंट, नौकरियां, रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट का हवाला देते हुए राज्य में आंदोलन न करने की अपील की थी, जिसके बाद कई तरह के सवाल भी उठने लगे। सवाल ये कि क्या कांग्रेस अब किसान आंदोलन से डरने लगी है? क्या कांग्रेस को किसान आंदोलन में नुकसान दिखाई दे रहा है या फिर राज्य में हो रहा नुकसान दिखाई दे रहा है? कैप्टन के इस बयान के बाद विरोधियों के साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने भी उनकी आलोचना की थी। वहीं कैप्टन ने किसानों को पंजाब में आंदोलन न करने की नसीहत दी, जिसके बाद किसान नेताओं ने भड़कते हुए कैप्टन के किसान हितैषी होने पर ही सवाल उठा दिए। वहीं अब सिद्धू ने ट्वीट के जरिए पहले अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल पर निशाना साधा। सिद्धू ने पंजाब फार्मिंग एक्ट 2013 की कॉपी का वो हिस्सा भी डाला जिसमें इसे तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पेश किया था। आम आदमी पार्टी की गल, 1 दिसंबर 2020 नूं केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विच प्राइवेट मंडी APMC नूं रद्द करके प्राइवेट मंडी स्थापित करन दे लई मोदी सरकार दे खेती कानूनां विचों इक नूं नोटिफाई कीता, जदके किसान दिल्ली दीआं बरूहां दे उत्ते अंदोलन कर रहे सी। उदों बाद ड्रामा कीता, सैशन बुला के बिल पाड़ते, पर की वह जिहड़ा कानून नोटिफाई कीता सीगा प्राइवेट मंडियां वाला, की वह डी नोटिफाई होया? जे डी नोटिफाई कीता तां फिर मैं ये ड्रामा है सारा, ये दिखावा है सारा, ये मगरमच्छ दे आंसू। एक तरफ सिद्धू आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ कैप्टन नहीं चाहते कि आंदोलन पंजाब में हो, तो क्या कांग्रेस अब किसान आंदोलन से डरने लगी है या फिर आपकी सक्रियता पंजाब में बढ़ता देख दोनों नेताओं की टेंशन बढ़ने लगी है? कमाल है कि कांग्रेस भी किसानों के साथ होने का दावा करती है और आम आदमी पार्टी भी, और दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगाने से पीछे नहीं हटते। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।